हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वाउचर टैप कैसे क्रिएट कर सकते हो और वाउचर टैप क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या होता है, वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वहां पे आपका अलग अलग ब्रांच भी है और अलग अलग ब्रांच वाइज आपको इनवॉइस नंबरिंग है, वो आपको अलग अलग मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपको वाउचर टैप क्रिएट करना होगा और वाउचर टैप क्रिएट करने के टाइम पे जो उसका इनवॉइस नंबरिंग मेथड होगा उसमें कुछ आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा जो हमारा डिफॉल्ट टैली का सेटअप होता है उसमें आपका जो इनवॉइस नंबरिंग आता है वो कैसे आता है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा सेल्स इनवॉइस है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरा इनवॉइस आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अलग ब्रांच है तो वहाँ पे वो 1 2 3 4 तो आया, बट उसमें ब्रांच वाइज मैं कुछ कोड दे दूँ आगे पीछे, सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके। या फिर जो अगर मेरा सर्विस बिजनेस है तो मैं उसमें भी सफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके मैं वहाँ पे भी कुछ आगे कुछ कोड वगैरह ऐड कर दूँ। तो उसके लिए आपको वाउचर टैप कैसे क्रिएट करना है और उसको किस तरीके से इनवॉइस नंबरिंग में जो उसका नंबरिंग मेथड होगा उसमें क्या चेंजेस करना होगा वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप क्रिएट। मैं एक मेरे ब्रांच के लिए एक नया कोड वाउचर टाइप क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल्स वापी ब्रांच और यहाँ पे आपको लेना होगा सेल्स और ऑटोमेटिक नंबरिंग वगैरह जो भी आप मेथड यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो ये ऑप्शन है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, आप चाहते हो कि स्टार्टिंग नंबर 1 से आए तो उसको 1 ही रहने देना है और रिस्टार्ट नंबरिंग है उसको एज इट इज रहने देना है। और ये जो ऑप्शन है प्रीफिक्स और सफिक्स, इन्हीं का आपको यूज़ करना है। प्रीफिक्स सफिक्स में आप चाहते हो कि जो आपका इनवॉइस नंबर आता है 1 2 3 4 5 उसमें आप पहले कुछ कोड वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आपको प्रीफिक्स में सेट करना होगा और उसके इनवॉइस नंबरिंग आपका पहले आया और उसके बाद आपका जो कोड है फिक्स करना चाहते हो तो आपको सफिक्स में सेट करना है। मैं यहाँ पर आपको पहले करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको वापी कर देता हूँ। तो ये जो वापी आएगा इसको आपको सेव कर देना है। अभी मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, यहाँ पे आपको एफेक्ट प्रेस करना है, तो आपको सेल्स वापी ब्रांच का आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको वापी /1 आएगा, मतलब ये आपका नया इनवॉइस सीरीज होएगा वापी ब्रांच के लिए। सेम चीज़ अगर आप दूसरी ब्रांच के लिए करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मैं अलग करके दिखा देता हूँ। अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप क्रिएट सेल्स वलसाड, यहाँ पे आपको वाउचर टाइप लेना है सेल्स ऑटोमेटिक यस। यहाँ पे मैं सफिक्स में सेट करता हूँ वलसाड, कंट्रोल ऐसे उसको सेव कर देना है। अभी आप सेल्स में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे वलसाड ब्रांच का भी लिस्ट ऑफ टाइप्स में आ जाएगा और यहाँ पे जो इसका इनवॉइस नंबरिंग होगा वो 1 जो इन नंबर होगा वो 1 2 3 वो आपका पहले आएगा और जो आपने सफिक्स सेट किया वो बाद में आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वलसाड आ रहा है। तो इस तरीके से ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया, आप अपने हिसाब से आप जो भी वाउचर इनवॉइस नंबरिंग वगैरह सेट करना चाहते हो, जो भी वगैरह कोड वगैरह देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। ये इसी तरीके से आप कोई भी वाउचर टाइप आप सेल्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, मतलब आपका जो भी अलग अलग इनवॉइस नंबरिंग अलग अलग मेंटेन करना है तो आप इस तरीके से आप वाउचर टाइप को क्रिएट करके आपको उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स सेट कर देना होगा। तो दोस्तों, बस इसमें मैं आपको यही चीज़ गाइड करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नंबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।